नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब जी, व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है सबके। होप करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच जी, आप सभी का इतना सारा जो प्यार आप दे रहे हो वीडियोस के ऊपर, और स्पेशली जब हमने घरों के प्राइस बताने शुरू कर दिए, आपका प्यार थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तो थैंक यू सो मच जी, घर के प्राइस हर बार आपको बताए जाएंगे, पर वीडियो के एंड के अंदर वो जरूर नोट कर लेना। आज जेड़ा घर आपको हम दिखाने लगे, कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो आपको दिखाने लगा, बहुत ही प्यारा बजट के अंदर एक बड़ा और सुंदर घर आपको दिखाने लगे हैं। ठीक है, पहले आप घर देखो कितना प्यारा है। ठीक है, लाइटें लपटें सब जगाई हुई हैं, हमने आपके सामने पूरी ओवरऑल लुक आ रही है। ठीक है, घर का साइज है 7 मरले, प्लस घर रहेगा 4 BHK, बड़ा प्यारा बना हुआ है, मॉडलर है, किचन वगैरह भी बहुत एग्जैक्ट प्रॉपर बनी हुई है, प्लस लोकेशन बहुत अच्छी है। लोकेशन इसका नाम है रेजिडेंसी विहार कॉलोनी का नाम रहेगा, ग्लेनमोर ग्रीन्स जलंधर के अंदर, बहुतों को पता होगा, उसके बहुत ही नियर बाय आपको अवेलेबल हो जाती है। प्लस कॉलोनी में 30 फीट की वाइड रोड है, आप रोड चेक करो, ये रोड है और पूरी कॉलोनी डेवलप्ड है। कॉलोनी का एंट्रेंस का एक ही रास्ता है, ठीक है, और उस रास्ते पे बैरिगेट प्रॉपर लगा होता है और एक सिक्योरिटी गार्ड ऑल टाइम बैठा रहता है, तो सेफ बहुत ज़्यादा है घर। ठीक है, सबसे पहले आप कोठी की लुक चेक करो, बड़ा प्यारा एक ना मैचिंग सा पेंट है, ग्रास का बाहर आपके लिए स्पेशली ना, कईयों का सपना होता है गार्डन एरिया, पर गार्डन एरिया ना बड़े घरों के अंदर होता है, छोटे घरों में ना थोड़ा लिमिट हो जाती है, यहाँ पे आप एक गार्डन एरिया बना सकते हो ताकि आपको मज़ा आता रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं के अंदर, स्टेप्स से हम घर के अंदर चलेंगे, और सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा आ जाएगा पार्किंग का पोर्च एरिया। पोर्च एरिया में एक फुल साइज SUV बहुत आराम से आप पार्क कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। इस जगह पे भी आपको डाउनफॉल सीलिंग अवेलेबल हो जाएगी विद प्रोफाइल लाइट्स, वहां पे आपका आ जाएगा वॉशिंग एरिया, प्लस आपका एक 2-व्हीलर पार्क हो जाएगा। ठीक है जी, बड़ा प्यारा मिल जाता है। प्लस सबसे पहले ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे आ गया मेस डोर, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, ये आ जाती है हमारे घर की ओवरऑल बहुत ही प्यारी सी लुक, ये चेक करो अब, लुक बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा घर आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, हाँ देखो ऊपर डाउनफॉल सीलिंग लॉबी के अंदर कितनी प्यारी हुई है। ये आपका ड्राइंग रूम का एरिया हो जाएगा, जहां से बाहर भी ज्वाइन होके आप देख सकते हो कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पता लगता रहता है। एक लिविंग एरिया के अंदर भी LED लगानी होती है, तो उसके लिए बड़ा सा LED पैनल विद बहुत सारे कॉर्नर्स, क्योंकि घरों में ना मेन अपने पंजाबियों को स्टोरेज बड़ा, सामान बहुत रखते हैं साथ में, सारा सामान आपके यहाँ आ जाएगा। देन सीढ़ियों के नीचे भी आपको मिल जाएगा एक स्टोरेज का एरिया, जहाँ पे वही आप सामान स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब आपको किचन की तरफ, किचन में जाने से पहले ना देखो यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, एक लोकल मतलब सब यूज कर सके, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन आ गया हमारा किचन का एरिया, किचन भी आपके सामने है जी, बड़ी सोनी प्यारी सी किचन बनी हुई है, कॉम्बिनेशन बेज एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज हुआ है। सारी एक्सेसरीज आपको सारी यहाँ पे लगी हुई अवेलेबल हो जाती है, देखो जैसे नॉर्मल प्लेट्स के लिए एक्सेसरीज होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको स्लोमो के अंदर आपको लगी हुई अवेलेबल हो जाती है, ये सारा है। प्लस बाहर से विंडो का रास्ता आप देख सकते हो कि बाहर चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉपर लाइटिंग घर के अंदर ना पूरी वधी है, प्लस ये जो नीचे यहाँ पे टाइलें लगी हुई है ना, ये घर की लाइटें और ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। आप अगर फोटोज वगैरह खींचोगे या वीडियोस बनाओगे आपको बहुत मजा आएगा, आप खुद ही बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। अब जैसे कि जी 4 BHK घर है, मतलब कि नीचे रहेंगे 2 कमरे, पहला कमरा आ गया ये वाला विद आपको मैट्रेस मिलेंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है, फुल वॉल बेड बहुत ही सुंदर स्टाइल का आपको डन होकर मिल जाता है, वॉलपेपर को कितना प्यारा लग रहा है, सारा मैचिंग काम हुआ हुआ है, देन ऊपर डाउनफॉल सीलिंग भी डन है। सामने हमारा LED पैनल बिल्कुल रेडी है, और LED पैनल के साथ हमें यहाँ पे मिल जाती है एक बैक स्पेस, अभी थोड़ा सामान रखा हुआ है ऑब्वियसली, जगह घर लोगे उठा देंगे हम, सारा ऊपर से कनेक्ट हो जाती है, प्लस दूसरे रूम का भी एक व्यू आपको देखने को अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ आ गया आपका क्लोजेट का एरिया, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, ये आपकी वार्डरोब्स भी रेडी है। ठीक है जी, देन आ गया आपका वॉशरूम, वॉशरूम के अंदर भी बढ़िया एक्सेसरीज प्लस डाइवर्टर्स की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। डाइवर्टर्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, नॉर्मल टैप्स को सबके वॉशरूम में होते, डाइवर्टर ना बढ़िया लगते हैं घर में, लगे थोड़ा लग्जूरियस फील आती है। देन अब हम चलते हैं इस रूम के अंदर, ये आ गया हमारा सेकंड रूम, बड़ा प्यारा सा रूम, ये भी डेकोरेट हुआ हुआ है, देखो जी बेड आपके लगे मिल जाते हैं, अगर आप घर ले रहे हो ना, ये होता है यार बेड एक अच्छे बने बनाए मिल जाए, कहाँ आप काम कराते रहो, तो बढ़िया आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। गद्दे गुद्दे भी लगे हुए हैं ऊपर, डाउनफॉल सीलिंग अपनी डन है, LED पैनल डन है। ये आ गया व्यू, जो बाहर का जो आपको बताया था ना वहां से व्यू दिखता है, तो ये वाला व्यू है। इसमें भी सेम जी आ जाता है आपका क्लोजेट एरिया, मूविंग वाली आपकी ये वार्डरोब्स मिल जाएंगे, साथ में आ गया हमारा अटैच्ड वॉशरूम, हर एक रूम के साथ ये अटैच वॉशरूम है, जैको की बड़ी अच्छी ब्रांडेड एक्सेसरीज आपको लगी हुई मिल जाती है, और क्या चाहिए। ये कुछ मेन चीजें जो अपने घर लेना है ना, ये बड़ा जरूरी मैटर करता है कि वॉशरूम तैयार है कि नहीं, कमरों में बेड है कि नहीं, वो बहुत बहुत जरूरी है। अब ये आ गया स्टेयर्स का ऊपर से एरिया, वॉल देख लो जी कितनी सोनी है ना,
बड़ी प्यारी जी बॉल आपको अवेलेबल हो जाती है, साथ में प्रॉपर वॉलपेपर लगा हुआ है, ऊपर भी लाइटें लूटे बहुत बढ़िया है। नहीं तो ना मोस्टली घर जो आपको दिखाऊंगा कई बार लाइट्स बहुत कम होती है, पर इसमें लाइट है पूरी। अब क्या करते हैं जी, ऊपर चलते हैं, बाकी का ऊपर जाके बोलेंगे। लो जी अब आगे चलते हैं, ऊपर आ गए हम। ऊपर आते भी आपको एक अच्छा लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे ना अगर आपको बहुत शौक है ना अपने घर को डेकोरेट करने का, तो बड़ा वधिया आप यहाँ पे सोफा सेट या टेबल चेयर कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से ग्लास से बाहर का व्यू आता है। प्लस घर में आपको बैल्कनी भी मिल जाती। लो जी बड़ी प्यारी सी बैल्कनी, आपके प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो बहुत अच्छे अच्छे वाले जो गमले पॉट्स यहाँ पे लगे हुए मिल जाते हैं। वधिया वॉशिंग एरिया की टैप लगी हुई है, वधिया माहौल बना जाता है। आओ जी वापस चलते हैं। अब ऊपर भी आपको जैसे 4 BHK घर है, आपको 2 rooms आपको देखने को अवेलेबल हो जाते हैं। पहला रूम जी आपको ये दिखाते हैं, ये आ गया हमारा ऊपर का फर्स्ट रूम, जो कि अंदर वॉलपेपर वगैरह लगा हुआ है। सेम यहाँ पे वॉशरूम रेडी है और आपका क्लोजेट एरिया भी सारा तैयार रहेगा, देन LED पैनल भी मिल जाएगा। बड़ा वधिया मतलब ना हर एक चीज कम्प्लीट है। अब जब घर ले रहे हो इतना बड़ा घर ले रहे हो तो ऑब्वियसली एक आधा बेड तो होएगा ही, वो यहाँ लगा लेना ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं जी अपना दूसरे रूम की तरफ। दूसरा रूम आ गया ये वाला, यहाँ से भी बाहर का बड़ा अच्छा व्यू आता है। इसको आप एज अ किड्स बेडरूम यूज कर सकते हो, थोड़ा साइज में डिसेंट है, छोटा है, इसको किड्स बेडरूम बढ़िया बन जाएगा। सारा क्लोजेट एरिया तैयार है, देन आपका वॉशरूम भी बिल्कुल तैयार, कुछ नहीं कराना आपने ठीक है, सब कुछ रेडी है, घर के अंदर अवेलेबल हो जाता है। अब जी आओ बाहर चलते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए हमारे पंजाबियों को ना आता है जी, एक्स्ट्रा सामान होता ही होता है घर में, तो वो कहाँ जाएगा जी। आ देखो जी ये स्टोरेज एरिया, चाहे आप इसको एक पूजा रूम बना सकते हो, चाहे आप स्टोरेज एरिया बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। इधर से आ जाते हैं जी टेरिस का रास्ता, आपको दिखाता हूँ जी। लो ये आ गया आपका टेरिस का रास्ता, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। इधर भी स्पेस काफी बनी हुई है, कुछ अपने शेड लगवाना है, अपने वॉशिंग एरिया बनाना है, तो वो आपकी चॉइस है, वो जैसे आप चाहो बना सकते हो। अब जी आ गया वीडियो को एंड करने का टाइम। घर की डिटेल्स आपको एक बार फिर से देते हैं। घर रहेगा जी 7 मरले का, 4 BHK, 30 feet वाइड रोड बाहर अवेलेबल हो जाएगी, बहुत गेटेड कॉलोनी है, एक ही एंट्रेंस का रास्ता है, बड़ा सेफ जगह, प्रॉपर सेफ जगह मिल जाती है। प्लस लोकेशन भी अच्छी है, GTB नगर ऑलमोस्ट ना यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ ना, झूठ नहीं बिल्कुल बोलूंगा, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर में आप GTB नगर रीच कर जाओगे, इतनी बढ़िया लोकेशन है ठीक है। क्यूरो मॉल से भी पास है, 2 किलोमीटर इधर वो है और 1.5 किलोमीटर क्यूरो मॉल मिल जाएगा ठीक है। दोनों चीजें आपको एक साथ साथ अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप इस घर को परचेज करना चाहते हो, आपने क्या करना है, कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो को याद करना है। हमारा ऑफिस 6840 रोड पे अवेलेबल है, हमारे फोन नंबर भी सामने चल रहे हैं, कुछ भी किसी भी टाइम कॉल करो तो घर कराओ बुक। बाकी हमारी कंपनी कोहिनूर प्रॉपर्टी स्टूडियो रेरा और पुड्डा रजिस्टर्ड है, प्रॉपर रजिस्टर्ड वाला काम है, कोई भी ऐसे ऊपर नीचे वाला नहीं है। एग्जैक्टली आपको अच्छी तरह से काम करा के दिया जाएगा, पेपर वर्क की गारंटी हमारी सारी हम करा के देंगे, सब कुछ ठीक है। बाकी जी घर परचेज करने के लिए सामने फोन नंबर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी बहुत प्यारे प्यारे घर, फ्लैट्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम डालते रहते हैं, उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करना, सामने मेंशन है।